बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन इकराम, आप इससे पहले वाली दो किस्तों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनको नबूवत मिलने और फिर फिरौन के मुकाबले में आने के बाद जब उन्होंने जादूगरों के साथ मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी और किस तरह से जादूगर उनके ऊपर ईमान ले आए, आप यहाँ तक के तमाम हालात व वाकयात सुन चुके हैं। आज की वीडियो में आगे आने वाले हालात व वाकयात बयान किए जाएंगे। जब जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए तो फिरौन जादूगरों पर बरस पड़ा। फिरौन ने चीख कर कहा, मेरी इजाज़त से पहले तुम मूसा के रब पर ईमान क्यों लाए? फिर उसने जादूगरों पर इल्ज़ाम लगा दिया और बोला, यकीनन ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। उसने ये भी कहा कि ये तुम सब की साजिश है, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि फिरौन राह हिदायत से भटका हुआ था। वो उस वक्त ऐसी गुफ्तगू करने लगा था जिससे उसका झूठा होना नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। हर सुनने वाला महसूस कर रहा था कि वो झूठा है, क्योंकि तमाम लोग ये बात बखूबी जानते थे कि उन जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उससे पहले देखा भी नहीं था। फिरौन ने जब देखा कि जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने पर मुसर हैं, तो वो जुल्म व ज्यादती पर उतर आया। उसने धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा। उस खौफनाक धमकी का भी जादूगरों पर कोई असर ना हुआ। वो जान चुके थे कि अल्लाह ताला ही हकीकी माबूद है। उन्होंने ईमान का मजा पा लिया था। चुनांचे उन्होंने जवाब में फिरौन से कहा, हम अपने परवरदिगार और उन दलीलों के मुकाबला में जो हमारे पास आई तुझे कभी बड़ा नहीं समझेंगे। तू जो कर सकता है कर ले, क्योंकि तेरा जोर सिर्फ इस दुनिया में ही चल सकता है। हमने अपने परवरदिगार का यकीन कर लिया है ताकि वो हमारी गलतियां और उन गुनाहों को बख्श दे जो तूने ज़बरदस्ती हमसे करवाए, क्योंकि अल्लाह की अता और उसका सवाब तेरे मालो दौलत से कहीं बेहतर है। फिरौन ने जब जादूगरों की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने तो आपे से बाहर हो गया। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि वो तमाम जादूगरों को उसकी तजवीज़ करदा सजाएँ दें। इधर उन सब ने भी सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएँ की। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें सब्र की तौफीक अता फरमा और हमें इस हाल में मौत दे कि हम मुसलमान हों। फिरौन का हुक्म सुनते ही उसके सिपाहियों ने जादूगरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजाएं देने का अमल शुरू हो गया। जादूगर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, उन्होंने अजीम सब्र का मुजाहरा किया। रोए धोए ना फरियाद की और ना अपने ईमान लाने पर जरा भर भी पशेमा हुए और ना ही उलझन का शिकार हुए, बल्कि पूरी तरह साबित कदम रहे। फिरौन के सिपाही जुल्म करते रहे, लेकिन उन्होंने सबर का दामन हाथ से न जाने दिया, हत्ता के शहीद हो गए। ये है अल्लाह की कुदरत। दिन के पहले पहर वो पक्के काफिर थे, लेकिन उसी दिन के दूसरे पहर उन्होंने ईमान की हालत में अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जादूगरों के लिए बहुत बड़ी सआदत थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का क्या हुआ? फिरौन ने सिर्फ जादूगरों के कत्ल का हुक्म दिया था, इसलिए हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम मैदान से निकलकर अपने लोगों यानी बनी इसराइल में चले आए। फिरौन के मुशीरों ने जब देखा कि वो सिर्फ जादूगरों को सजा दे रहा है, तो उन्होंने फिरौन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को छोड़ देगा ताकि वो मुल्क में फसाद करें और वो मूसा तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दे? यानी उन्होंने हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा दे दिया। वो लोग अपने फासिद अकीदे की वजह से तौहीद को फसाद कह रहे थे। फिरौन अपने दरबारियों की बातें सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, नहीं, हम उनका बंदोबस्त करेंगे, उनके बेटों को कत्ल कर देंगे और उनकी बेटियों को जिंदा रहने देंगे, क्योंकि हम उन पर गालिब व बरतर हैं। इस तरह बनी इसराइल पर और ज़्यादा जुल्म शुरू हो गया। जब हालात बहुत नाजुक सूरत इख्तियार कर गए तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी मुसीबतों का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक ज़मीन तो अल्लाह ही की है
वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है। अच्छा अंजाम तो परहेजगारों ही के लिए है। ये सुनकर बनी इसराइल अफसरदा लहजे में बोले, मूसा तुम्हारे आने से पहले भी हमें तकलीफें दी गईं और तुम्हारे आने के बाद भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी दुख भरी बात सुनकर फरमाया, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन में जानशीन बना देगा। इधर फिरौन ने महसूस किया कि बनी इसराइल के सिर्फ लड़कों को कत्ल करना काफी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि उनकी दावत जारी है और उस दावत का जारी रहना हद दर्जे खतरनाक है। चुनांचे वो अपने दरबारियों से मुखातिब हुआ, मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर दूं और उसे चाहिए कि अपने रब को बुला ले। बिलाशुबा मैं तो डरता हूँ कि वो तुम्हारे दीन को बदल डालेगा या वो जमीन में फसाद फैलाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई कि फिरौन ने उनके कत्ल का प्रोग्राम बना लिया है तो आपने फरमाया, बेशक मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर उस मुतकब्बिर शख्स से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। फिरौन की उस जालमाना राय से सभी दरबारियों ने इत्तफाक किया, लेकिन उनमें एक ऐसा आदमी था जो पोशीदा तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था। उसने फिरौन की राय से इख्तलाफ किया और उसकी राय को बदलने की कोशिश भी की। उसने कहा, भला ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम एक बेगुनाह शख्स को सिर्फ इतनी सी बात पर कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा मालिक अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास वाज़े निशानियां भी लाया है। अगर बिलफर्ज वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर है, तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन याद रखो अगर वो सच्चा है तो तुम्हें वो अजाब जरूर आ लेगा जिसका वो तुमसे वादा करता है। उसने ये भी कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो तुम्हारी ही हुकूमत है जबकि जमीन में तुम ही गालिब हो, फिर हमें अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा अगर वो हम पर आ पड़ा। उस शख्स की तकरीर जारी थी, इधर फिरौन ने महसूस किया कि उसकी तकरीर का दरबारियों पर असर हो रहा है तो वो बोल उठा, मैं तुम्हें वही बात समझाता हूँ जो मैं मुनासिब समझता हूँ और मैं तुम्हें वही राह बताता हूँ जिसमें तुम्हारी बेहतरी और भलाई है। फिरौन जो कुछ कह रहा था उसके बारे में खुद भी जानता था कि बिल्कुल गलत है, झूठ है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही हक पर हैं और वो अपनी कौम को भलाई की तरफ नहीं ले जा रहा, सिर्फ अपनी सल्तनत बचाने के लिए और लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसा कह रहा है। इस मौके पर उस मोमिन आदमी ने ऐलानिया अंदाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सब मेरी पैरवी करो, मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी रहबरी करूँगा। दुनिया की जिंदगी फानी है, हमेशा का घर तो आखिरत ही का है। जिसने गुनाह किया उसे बराबर बदला मिलेगा और जिसने नेकी इख्तियार की, वो मर्द हो या औरत, ये लोग जन्नत में जाएंगे और वहाँ बेशुमार रोजी पाएंगे। अब फिरौन ने उस मोमिन बंदे को कत्ल करने की ठान ली, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह ताला की पकड़ अजाब की सूरत में आती है। उनके साथ भी यही हुआ, अल्लाह ताला ने मिस्र के लोगों पर मुसीबतें अजाब की सूरत में नाजिल कर दी। सबसे पहला अजाब उन पर कहत और खुश्क साली की सूरत में नाजिल फरमाया, दरियाए नील में पानी बहुत कम हो गया, इस तरह फसलें सूख गईं, जानवर और मवेशी हलाक होने लगे, लोगों का भूख से बुरा हाल होने लगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और बिलाशुबा हमने आले फिरौन को कहत साली और फलों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। हक तो ये था कि वो उन अजाबों को देखकर नसीहत हासिल करते, लेकिन वो उसके बावजूद ना समझे, उल्टा कहने लगे, हम पर जो ये आफतें उतरी हैं ये मूसा और उसकी कौम की नहुसत के सबब हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर तूफान भेज दिया, ऐसी सख्त और तेज बारिशें हुई कि उन्होंने खेतों को तबाह करके रख दिया। पानी की सतह इस हद तक बुलंद हुई कि ज़रई ज़मीन सैलाब की नज़र हो गई, फिर पानी ज़मीन पर ठहर गया। उसकी वजह से एक मुद्दत तक ज़मीन काश के काबिल ही ना हो सकी, इस तरह भूख में और इजाफा हो गया। फिरौन समझता था कि वो इन तूफ़ानों और मुसीबतों के आगे लाचार है,
वो उनको रोकने या दूर करने की ताकत नहीं रखता। आखिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उनसे दरख्वास्त की, तू अपने रब से इस बात की दुआ कर जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है, अगर तू इस अजाब को हमसे हटा दे तो हम जरूर बिल जरूर तेरे कहने से ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने उनके लिए अल्लाह से दुआ की कि वो इन पर से अजाब टाल दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और तूफान को रोक दिया। लेकिन हुआ क्या, फिरौन और उसकी कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा ना किया, बल्कि खयानत की और वादों को तोड़ दिया। तब अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डी दल के लश्कर भेज दिए। टिड्डी दल दरख्तों के पत्तों को चट कर गई, फलों को तहस नहस करके रख दिया। गर्ज हर किस्म की जमीनी नबतात खत्म हो गई, उनका नामो निशान तक ना बचा और ऐसा एक मुद्दत तक रहा। फिर ये मामला भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। एक बार फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो अपने रब से दुआ करें कि वो उस अजाब को उनसे हटा दे, अगर अल्लाह ऐसा कर दे तो वो ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने अजाब को टाल दिया, टिड्डी दल के लश्कर गायब हो गए। फिरौन और उसकी कौम फिर अपने वादों से मुकर गई, ना ईमान लाए ना बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेजने पर आमादा हुए, बल्कि उन्हें सजाएं देने का सिलसिला जारी रखा। तब अल्लाह ताला ने उन पर जुओं का अजाब नाजिल फरमाया। ये जुएं उनके बिस्तरों में, उनके कपड़ों में, गर्ज हर चीज में नजर आईं। वो इस कदर बदहाल हो गए कि सो भी न सकते थे। जब मामला उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो बिल्कुल बेबस हो गए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, उनसे दुआ के लिए कहा और वादा किया कि अगर ये अजाब टल जाए तो वो ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को उनके साथ भेज देंगे। यानी वही बातें कहीं जो पहले कहते रहे थे। अल्लाह ने उन पर से जुओं का अजाब भी हटा दिया। फिरौन और उसकी कौम ने इस बार भी वादा पूरा ना किया तो अल्लाह ताला ने उन पर मेंढकों का अजाब नाजिल कर दिया। उनकी हर चीज में मेंढक नजर आने लगे, यहाँ तक कि वो पानी पीने के लिए मुंह की तरफ ले जाते तो उसमें भी मेंढक निकल आते, कोई अपने कपड़े उठाता तो उनमें भी मेंढक होते, खाने के बर्तनों में भी मेंढक होते। अब तो उनकी जिंदगी अजीरन हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं था जो उन्हें उस अजाब से निजात दिलाता। चनांचे एक बार फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, ऐ मूसा, तू अपने रब से हमारे लिए दुआ कर जैसा कि उसने तुझसे अहद कर रखा है, अगर तू हमसे अजाब हटा दे तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे और तेरे साथ बनी इसराइल को जरूर भेज देंगे। आपने उनके लिए फिर दुआ की, अल्लाह ने उनकी ये मुसीबत भी दूर कर दी, मेंढक गायब हो गए। इस बार भी फिरौन और उसकी कौम ने वादा पूरा ना किया। तब अल्लाह ताला ने उन्हें एक और अजाब में मुबतला कर दिया और ये अजाब था खून का अजाब। जहाँ जहाँ पानी था वो खून में तब्दील हो गया। जब वो दरिया से पानी पीने का इरादा करते या किसी कुएं से पानी निकालते तो वो खून होता, किसी बर्तन में रखे पानी को पीने के लिए उठाते तो वो खून बन जाता, और बाज कहते हैं कि उनको नकसीर की बीमारी लग गई थी। पहले की तरह वो इस मर्तबा भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तू अपने रब से दुआ कर हमसे ये खून का अजाब टल जाए, हम वादा करते हैं कि तुझ पर ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उनसे ये बला भी टाल दी, लेकिन इस मर्तबा भी वो अपने वादे से फिर गए। उस वक्त तक जितनी भी आफात नाजिल हुई थीं, उनमें अजीब बात ये थी कि वो सिर्फ किब्तियों पर आई थीं। बनी इसराइल उनसे बिल्कुल महफूज रहे थे। इस तरह उन वाज़े तरीन निशानियों में उनके लिए बड़े सबक थे। अगर उनमें अकल होती तो ज़रूर सबक हासिल करते, लेकिन उनकी ईमान लाने की नीयत ही नहीं थी। वो तो हर बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से झूठ मूठ वादा करते थे। अल्लाह ताला भी उन्हें मोहलत पर मोहलत देता रहा।
खून वाला अजाब दूर होने पर वो अपने जुल्म में और बढ़ गए। वो फिरौन की गुमराही की पैरवी करते रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर तुले रहे। अगरचे आप अपने रब की तरफ से वाज़े निशानियां लेकर आए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनकी तरफ से मायूस हो गए। बनी इसराइल पर होने वाले मजालिम ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया, चुनांचे आपने उनके लिए ये बद्दुआ की, ऐ हमारे रब, इनका मालो जर गारत कर दे और उनके दिल सख्त कर दे। ये उस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको हुक्म दिया, मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल चल, बिलाशुबा तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से बाखबर किया, उन्होंने फौरन तैयारी कर ली। जूं ही रात की तारीकी छाई, आप उन्हें लेकर मुल्के शाम की तरफ चल दिए। फिरौन को जब इस बात का पता चला तो उसने एक बड़े लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और उस लश्कर को लेकर निहायत तेजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताकुब में रवाना हुआ। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते बुहैरा अहमर के साहिल पर पहुंच गए। फिरौन और उसका लश्कर भी तलुए आफ्ताब के वक्त उनके करीब पहुंच गया। दोनों फरीक एक दूसरे को बखूबी देख रहे थे। बनी इसराइल खौफ ज़दा हो गए, उनके सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, यकीनन हम तो पकड़ लिए गए। जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। ये फरमाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की अगली जानिब आए, समंदर की तरफ देखा तो वो मौजे मार रहा था। आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम और दीगर ईमान लाने वाले हजरात भी आगे मौजूद थे। फिरौन और उसकी फौजें लम्हा बलम्हा उनसे करीब होती जा रही थी। बनी इसराइल मारे खौफ के साकित थे, यूं लगता था उनके दिलों की धड़कने मारे खौफ के बंद हो जाएंगी। उन्हें अपनी हलाकत का पूरा यकीन हो चला था, किसी तरफ से बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। ऐन उस वक्त अल्लाह ताला अजीम कदीर ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, अपना असा समंदर पर मार। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म पाते ही अपना असा पानी पर मारा। असा का पानी पर लगना था कि समंदर का पानी दो हिस्सों में बट गया, मौजें आगे बढ़ने से रुक गईं, पानी के दरमियान में खुश्क रास्ता जाहिर हो गया, समुंदर का पानी दोनों तरफ दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर समंदर अबूर कर जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उस रास्ते पर चल पड़े, आपकी कौम भी खुशी के आलम में आपके पीछे चली। उन्होंने अल्लाह की कुदरत का एक अजीमुशान नज़ारा देखा था, वो नज़ारा देखने वालों को हैरत ज़दा कर रहा था और मोमिनों के दिलों में ईमान को पुख्ता कर रहा था। ऐसे में फिरौन भी साहिल पर पहुंच गया। फिरौन और उसकी फौज ने समंदर में रास्ता देखा तो वो भी उस रास्ते पर हो लिए। जो ही उनका पहला आदमी समंदर के दूसरे किनारे के नज़दीक पहुंचा, अल्लाह ताला ने समंदर को मिल जाने का हुक्म दिया, चनानचे पानी के दोनों पहाड़ आपस में मिल गए। समंदर की खौफनाक मौजों ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया, पानी ने चारों तरफ से उन्हें पूरी तरह ढांप लिया। फिरौन ने अपनी जान बचाने के लिए मौजों पर हाथ पांव मारे, मौजें एक बार उसे ऊपर उठा रही थीं और दूसरी बार पानी के नीचे ले जा रही थीं। माजज नाजरीन सामईन कराम, इसके बाद क्या हुआ ये सब जान पाएंगे आप इससे आगे आने वाली किस्तों में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।